आप लोगों की जो प्रेम कहानी है उसका क्या सबसे सबसे यूनिक पॉइंट क्या है? हम दोनों एक जैसे हैं। हाँ, बहुत जो, एक जैसे जो वो सोचती है वो मैं सोचता हूँ, अगर वो नहीं बोले तो मैं बोल देता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ तो अगर मैं 2 सेकंड लेट करता हूँ ये बोल देती है। यार इट्स अ मिरेकल। हम अलग अलग घर में सोते हैं, अपने घर में वो 3 बजे रात को हम अचानक से नींद खुल जाती है ना कभी कभी, तो मैसेज भेज रहे हैं तो हम देखते हैं वो भी मैसेज टाइप कर रही है और एक दूसरे के पास ही मैसेज जाता है। वो अच्छी बात है। जगह हो हाँ 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 जस्ट जस्ट नींद खुली। ये अलग बात बोला ना आपको। ये अच्छा था ना। आप कुछ बोल रहे थे, आप भी कुछ अलग बोलो। आप यही सब है। कई बार तो ऐसा होता है जैसे मैं कोई गाना सोच रही हूँ तो ये भी उसी वक्त वही गाना सोच रहे होते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ मिरेकल। सो या ये सबसे अमेजिंग चीज़ है हमारे बारे में कि हम बहुत सिमिलर हैं। आज एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, इस बात से याद आया, आज कुछ एक्टिविटी था जिसमें पूछा गया कि इनकी माँ का बर्थडे। अच्छा, मुझे कसम से नहीं मालूम था, कसम से नहीं मालूम था। उसने मुझे खाली बोला था माई मॉम इज़ ऑल्सो जेमिनी, मैं भी जेमिनी हूँ। तो मैंने ना लिखा कि जेमिनी शुरू यहाँ से होता है, एंड यहाँ पे होता है, तो एक डेट लिख देता हूँ। अब वो डेट एक्चुअली उनकी माँ का बर्थडे था, 7 जून। सो मैं एक्साइटेड हो गया, मतलब अरे मुझे तो पंडित बन जाना चाहिए ऐसे। इस शो पे आने की वजह क्या है, मतलब जस्ट को अपने प्यार को दुनिया को दिखाना? नहीं 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 नहीं, प्यार को दुनिया को दिखा के क्या करेंगे? तो पैसे कमाना है? नहीं नहीं, वो पैसे भी कमाना, क्यों नहीं कमाना, कमाना है। हां मतलब, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन, है ना, कमाई पैसा बहुत। हमें जब सुनने में किसी ने पूछा था मुझसे, तो हम तो देख भी नहीं पा रहे टीवी। सो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम वक्त गुजार सकते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत टाइम मिल रहा है। हाँ, और ये तो मियाँ बीबी के बीच में भी नहीं होता है कि वहाँ पे हस्बैंड निकल जाता है काम से या निकल जाती, इतना वक्त नहीं गुजार सकते। यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक्चुअली में वक्त बिताने को मिल रहा है और एक दूसरे को और यू नो डीपली यू कैन लव यू नो। आप पूछे तो सबसे अच्छी बात प्यार की जो आपको इसमें लगा वो आपने बता दिया, नहीं बताइए क्या सबसे अच्छी चीज जो आपको इनमें लगी, और ये प्यार पहली नजर का था या ऐसे ही हो गया, या मतलब वो हुआ कैसे प्यार आप दोनों में? वो आप दिलवाले दुनिया ले जाएंगे देख लीजिए, सेम स्टोरी है, थोड़ा सा काट छाट कर लीजिए। हां, इट्स वेरी फिल्मी लव स्टोरी, वेरी फिल्मी, बट या आई थिंक इट वाज दैट कनेक्शन वाज जब से शायद पहली बार मिले हैं तब से। लेकिन हां ऐसा ही हुआ कि मिले फिर एक साल नहीं पता कहां है कौन है। आप कट शॉर्ट एक लाइन में, हम मिले उसके बाद 1.5 साल नहीं मिले, उसके बाद फिर मिले, फिर 1 साल नहीं मिले, फिर मिले और हम जाते हैं। ये कहानी हमारी। तो आप सीरियल करते हुए करना भी आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा, अभी साथ वक्त बिता रहे हैं, सीरियल में तो कहाँ इतना वक्त मिलता है इतना साथ बिताने का? वही तो बात है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हमने सोचा अब कितने साल हो गए, ये भी अपने काम में, मैं भी अपने काम में, कभी अपने लिए इतना वक्त नहीं निकाला, कभी किसी के लिए भी दुनिया में इतना वक्त नहीं निकाला। तो हमें यही लगा कि वी विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, एक दूसरे को और अच्छे से हम समझ पाएंगे और ज़्यादा हमारा जो कनेक्शन है वो बढ़ेगा। गोवा सब आना चाहते हैं, राइट? गोवा जो रहते हैं सब आना चाहते हैं, करेक्ट है ना? अब इतने दिनों में एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ, गोवा मेरी फेवरेट थी, हाँ मतलब कि गोवा आना है, चलो 2 दिन का छुट्टी मिला गोवा चलो। अब मैं गोवा में रह के गोवा से पक गया हूँ, लेकिन इनसे और ज़्यादा प्यार हो गया। ये बहुत हम तो एक दिन भी पकड़े थे, मतलब समझ सकते हैं आप सोचो, मतलब ये बात बहुत अच्छा हुआ कि आदमी नई गाड़ी और नई बीवी बड़ा ख्याल रखता है, धीरे धीरे चलाता है, प्लास्टिक तक नहीं निकालता है अपने सीट का, है ना, नया नया प्यार में आदमी मतलब एकदम बोले तो हम तुम्हारे लिए जान निकाल के दे दें, बजरंग बली बन जाए, लो तो मेरे सीने में तुम ही हो, देख करने बोलता है खाली, करता तो है नहीं। हमारे शुरू से था एक चीज़ कि भाई जो चीज़ नया है वो तो पुराना होगा, होगा होगा, है ना भाई, हम भी तो स्कूल में पढ़ते थे एक दिन आज। हाँ, तो इस यहाँ पे पूरे रिश्ते में, मतलब ये हम 7 महीना 8 महीने से एक दूसरे के साथ हैं,
पावर कपल में आके प्यार नहीं बढ़ाना था मुझे, प्यार तो ऑलरेडी हो चुका था तब यहाँ पे आए थे, और लोग भी हमें बहुत देख चुके हैं। मैंने भी 665 एपिसोड किया है अपने टाइम में, 3 साल पहले ब्रेक ले लिया था, इन्होंने 800-900 किया है, तो बहुत रियलिटी शो किया है। हम लोग एक दूसरे को दिखाना नहीं था कि हम, हमें देखो भाई आके हो, है ना, हमें ये जो वो गुस्सा होती है तो कितना गुस्सा होती है भाई, है ना, किस लेवल तक जा सकती है। और अगर किसी को प्यार, मतलब कि सिर्फ मुझे नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप आसपास के लोग की तरफ आप कैसा बिहेव करते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके दोस्त होंगे, आपके परिवार होगा, सो ये जानना उसके लिए भी और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो हम इन दिनों में बहुत वक्त गुजारे और जाने, तो ये अच्छा है, लेवल कंट्रोल में है ना दोनों तरफ, अमेजिंगली वेल, अमेजिंगली वेल, टच वुड, क्रूज कंट्रोल में डाल दिए हम लोग, अमेजिंगली वेल मैन, ऑटो पायलट। ऑडियंस से क्या कहेंगे आप, ऑडियंस इसलिए कह रहे हैं, चाहते हैं कि आपको सीरियल पर देखते रहें, तो ऑडियंस आपके प्यार पे क्या रिएक्ट करे या क्या सोचे वो बता दें। यही कहेंगे कि आप देख के बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे, और आपको देख के ऐसा लगेगा कि ऐसे ही प्यार करो, दिल खोल के करो, ऐसे करो, कम फॉल इन लव अगेन, खुले दिल से करो। ये जो हंसे तो दिल से हंसे, तो हंसी का मतलब हुआ, हंसे तो दो दांत दिख रहा है, 3 दांत इधर से दिख रहा है, तो वो हंसी भी नहीं, खुल के हंसो, कुछ भी करो तो जिंदगी में, तो खुल के करो, तो हम बोलते हैं अगर आज का दिन अच्छा होता है तो कल का सुबह अगर आप होता है आपके लिए तो वो भी अच्छा होगा, अदरवाइज आज खराब होता है तो कल आधा टाइम लग जाता है मनाने में, भाई वो कल हो गया ऐसा, चलो कोई बात नहीं। दोनों शो में ऑडियंस हमें देख रही है एंड हम आपको एंटरटेन करें, वी आर एंटरटेनर्स एंड लाइफ टाइम करते रहे, तो आपने जितना प्यार दिया है उतना ही प्यार से हमें देखिए और आगे भी प्यार दीजिए। Thank you. Thanks. Thank you so much. Thank you.